Good morning, students. Welcome back to online teaching. This is Kazim Zahir, your maths teacher. Today we will be learning chapter 11, which is measure of mass. Now, to measure means to find out how much of something. Measure means यानी कि वजन करना, नापना, पता करना कि वो कितना है. Quantities such as length, mass and depth are measured. Length लंबा, उसको भी हम लोग नापते हैं. Mass means वजन, किलोग्राम, ग्राम, कितना भारी है, मास उसको बोलते हैं. टाइम भी समझते हैं, एक घंटा समय लगेगा, दो घंटा समय लगेगा, उसको हम लोग मेजर करते हैं. नाउ मेजर ऑफ मास सिंपली मीन्स टू फाइंड आउट द वेट ऑफ अ थिंग. मेजर ऑफ मास सिंपल है, हम लोग पता करते हैं कि ये कितने भारी है, इसके वजन क्या है. कोई भी सामान उसको हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं. दैट इज हाउ मच हैवी समथिंग इज, कितने भारी वो चीज है. ग्राम को हम लोग छोटा भी लिखते हैं, जी इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजर वेट. बेसिक यूनिट टू मेजर वेट, टू मेजर smaller weight we use the gram. Gram जो है हम लोग basic unit to measure weight है, जिसको हम लोग छोटे छोटे सामान को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं. छोटे सामान, हल्के सामान को, छोटे सामान को हम लोग ग्राम में इस्तेमाल करते हैं और हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं. वी यूज किलोग्राम, kg, किलोग्राम दैट इज अ लार्ज यूनिट टू मेजर लार्ज वेट. कोई चीज बड़ा को हम लोग वजन करने के लिए हम लोग किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एक बोरा चावल को वजन करना है 50 केजी का, तो उसको हम लोग किलोग्राम में वजन करते हैं. 5 किलो प्याज लेना है या 5 किलो आलू, ये सारा सामान भारी होती है, तो भारी सामान को हम लोग ग्राम, किलोग्राम से यूज करते हैं, वजन करते हैं, और हल्के सामान को हम लोग ग्राम में वजन करते हैं. It is very easy to convert gram into kilogram. बहुत आसान है ग्राम को हम लोग को किलोग्राम में बदलने के लिए. Example, because 1000 gram equals to 1 kg. 1000 gram 1 kilo के बराबर होती है. 1000 gram equals to 1 kilogram.